the GST. Again, this is a very important topic to understand, not just about GST, but a critical analysis of GST. Now, if you see GST, first of all, you need to understand that it is nothing but a value-added tax. Now, a value-added tax, which is a comprehensive value-added tax. So, VAT or GST mein ideally koi farak nahi hai. VAT is equal to GST. Except for the fact, ek, ki iske andar services aa gayi hain. Dusra, isme jo input tax credit hai, wo aapko across cheezon ka mil jata. I'll tell you what across cheezon ka mil jata hai, aur ye input tax credit kya hai. Aur teesra, ye destination based tax. Ye teen cheezein agar aap हटा दो तो GST is essentially the same thing as value added. Now what is this taxation system? Now ideally अगर मैं एक manufacturer हूँ, ठीक है, particular commodity का, say I make furniture, I make sofas. Now I buy certain amount of wood and then I convert it into a sofa and then I sell it. I should ideally pay tax on the value that I am creating. If you see my salary, I am paying tax on only what I am earning, what is my contribution. But suppose if this particular manufacturer is paying tax on the entire amount, suppose isne 100 rupaye ka kuch becha, बट इस 100 रुपए में से इसने 20 रुपीज का यहां पर कुछ खरीदा हुआ था, ये टोटल अगर 100 रुपीज के ऊपर अगर टैक्स पे कर तो करेगा तो दैट विल बी कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट विल बी डबल टैक्सेशन, क्योंकि इसने यहां पर भी टैक्स दिया जब इसने सोफा खरीदा, सोफे के लिए जब इसने वुड खरीदी तो यहां पर भी उसने कुछ ना कुछ टैक्स पे किया होगा यहां पर, और उसके बाद यहां पर भी टैक्स जब 100 रुपीज का हुआ तब भी टैक्स पे कर रहा है. सो एसेंशली there is double taxation effect यहाँ पर. Now to remove this, ultimately इसमें से आपको 20 रुपीज ये remove करने होंगे. His value addition is only 80 रुपीज and you will only ask for money from him on this 80 रुपीज. This is called as value addition tax. Whether that is a good or a service, this is how your taxation should be. Now ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर हाउ आईटीसी वर्क्स इज कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है. इनपुट टैक्स क्रेडिट इस तरीके से मिलता है कि अगर आपने 100 रुपए का कोई आइटम बेच रहे हो, आपने इसके ऊपर पहले कितने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था, आपको उसका जीएसटी मिल जाएगा. जो आपने यहाँ पर जो आपने टैक्स पे किया हुआ है, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है, वो आपसे माइनस हो जाएगा और आपका सिंपल सिर्फ वैल्यू एडिशन देखा जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू एडिशन दैट यू आर डूइंग टू द प्रोडक्ट, दैट इज, यस रेशमा, आई एम डूइंग दैट. दैट इज एसेंशियली द एसेंस ऑफ योर जीएसटी. यू आर ओनली गोइंग टू पे अ टैक्स ऑन द वैल्यू एडिशन दैट यू आर डूइंग, नॉट ऑन समथिंग दैट यू हैव बॉट व्हिच इज नॉट योर वैल्यू एडिशन. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट इज बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट. आपने इनपुट के लिए कितना टैक्स दिया उसका आपको क्रेडिट मिल रहा है, उसके आपको पैसे वापस मिल रहे हैं. इनपुट जो आपने खरीदा उस पर जो आपने टैक्स पे किया हुआ है उसके आपको पैसे आपको वापस मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इन माई ऑफिस इफ आई बाय एन एसी, तो मैं एसी जब खरीदता हूं तो एसी खरीदने के लिए सपोज मेरे पास जो एसी आया था वो 30,000 प्लस जीएसटी का था. आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि अपना घर का भी जो एसी है वो भी ऑफिस के नाम से कई बार रजिस्टर करवा लेते हैं. अब वो क्यों करवाते हैं, आई विल टेल यू द रीजन. कि सपोज 30,000 का एसी है प्लस से 10% का जीएसटी है, मान लो सिर्फ 10% एग्जांपल के तौर में मान लो, तो 33,000 का ही एसी पड़ा. अगर आप इसको अपने बिजनेस यूज के लिए दिखा दोगे, अगर आपने दिखा दिया कि ये मेरा बिजनेस पर्पस है, बट बिजनेस पर्पस मैंने लेके दिखा दिया उसको, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने जीएसटी दिया है 3,000 रुपीज का, ये आपको रिफंड मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज आईटीसी. आप क्या बताओगे कि बॉस मेरा एजुकेशन का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने अपने एजुकेशन के बिजनेस के लिए अपना अपने अपने ऑफिस में एसी लगवाया है, और उसके बाद मैं भी जो जो जितना टैक्स मैं दूंगा, सपोज मैंने 1,00,000 रुपए का कुछ बेचा,
मैंने एजुकेशनल सर्विसेज बेची 1 लाख रुपीज की, तो उस 1 लाख रुपीज पे जो मैं टैक्स देना चाह रहा हूँ, जो टैक्स मुझे देना होगा, उसमें से माइनस हो जाएगा मेरा ATC, ये 3000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। तो इसेंशली जो मेरी पेइंग, जो मुझे सरकार को पे करना होगा, वो कम पे करना होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज इफ दिस इज नॉट देयर देन आई वुड हैव पेड 3000 रुपीज एक्स्ट्रा एज टैक्स हेयर एंड देन आई वॉज ऑल्सो पेइंग 1 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स। तो एसेंशियली मैं 1,03,000 रुपीज पे टैक्स, ठीक है, 1 लाख मतलब 3,000 ऑलरेडी इंक्लूड, ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ और प्लस 1 लाख पे दे रहा हूँ और टैक्स दे रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग इफेक्ट, जो वैट में भी खत्म हो गया और अब वो GST से और कम हो गया क्योंकि अब सर्विसेज के अंदर मिल गया। अब क्योंकि ये एजुकेशन इज, मैंने एग्जाम्पल एजुकेशन के इसलिए दिया क्योंकि सर्विस, अब ये सर्विस आ गई है तो इसलिए अब सर्विसेज के लिए भी वैलिड है। आई होप दिस कंसेप्ट। There is a mention of VAT depending on Amulya whether that VAT is petroleum VAT or not, क्योंकि अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। So an important item that you should know about this is there are couple of items which are not included under GST ambit. One item which is not included is your alcohol for human consumption, वो GST से completely बाहर है, और दूसरा petroleum products जो GST के एम्बिट के अंदर है बट स्टिल GST काउंसिल ने कहा है कि अभी स्टेट्स के ऊपर ही, अभी वी आर नॉट येट डिसाइडेड टू पुट इट अंडर GST परव्यू, बट GST के GST काउंसिल चाहे तो इसके ऊपर टैक्स लगा सकता है बट अभी नहीं लगा रहा। सो दीज टू आइटम्स आर राइट नाउ नॉट बीइंग टैक्स्ड अंडर GST बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि स्टेट्स जो है वो बहुत सारा पैसा इन दो आइटम्स से ही कमाता है। सो इलेक्ट्रिसिटी माइट बी द केस कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी हो, बट these two are major buoyant forces or buoyant sources of revenue for the states, therefore they have been right now they are not under the purview of GST. So abhi bhi sarkar jo hai wo state government jo hai wo alcohol se paisa kama rahi hai, jaise Delhi government khoob karodo rupaya kama rahi hai alcohol se, petroleum se har state kama raha hai dheere dheere us pe tax bada bada ke. So These are items which are outside the purview of GST. Now, I hope this concept of input tax credit which you have asked put, because this is an important concept for you to understand. More of this you will probably understand in public economics agar ye depth mein ye topic cover hoga wahan par to. Now, the way that we have designed our taxation is that we have this two scales. One is your CGST, which is your central GST, and the other is your SGST, which is the state. तो जो state वाला जो GST है वो state को assign होगा, and किस state को assign होगा ये बहुत important है. Which state will take the GST amount? It will be the destination state जिसके पास जाएगा. तो suppose अगर महाराष्ट्र कोई प्रोडक्ट यूपी को बेच रहा है तो वो जो GST का अमाउंट है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का वो किसके पास जाएगा, वो अमाउंट जाएगा यूपी के पास रादर देन महाराष्ट्र के पास। पहले जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था उस केस में वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, उस केस में जहां पर गुड ओरिजिन हुआ है वहां पर वैल्यू एडेड टैक्स जा रहा था, बट नाउ इट हैज मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्स टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। देन I would recommend you all to definitely go through the historical evolution of taxation, indirect taxation in India. पहले आपका taxation system क्या होता था, फिर उसके बाद ये central duties क्या है, फिर उसके बाद ये mod VAT, पहले man VAT आया फिर mod VAT आया। Again guys, you should definitely read this up. I'm not going through this, but you should know this flowchart of man VAT, mod VAT, and then उसके बाद आपका sen VAT आया, which is also called as VAT. And then finally SenVAT, उसके अंदर services भी add हो गए, and finally ये GST में convert हो गए। महाराष्ट्र और यूपी का जो example दे रहे हैं, sir महाराष्ट्र से जो exporter export करने वाला है, so he would not be giving any tax in महाराष्ट्र। No, वो जो tax का revenue किसको assign होगा? संदीप, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो tax नहीं pay करेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि tax ultimately जो for example 20% किसी चीज पे tax लगा है, GST लगा है, तो ये जो GST का पैसा है किसी को तो जाएगा। अगर 20% टैक्स लगा तो दैट मींस 10% स्टेट GST है, 10% सेंट्रल GST है। सो वेयर विल, विच स्टेट विल गेट दिस 10% ऑफ मनी, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग।
दिस मनी ऑफ 10%, ये 20% का हाफ ऑफ जो है, ये 10% जो है, ये इस केस में यूपी को जाएगा रादर देन महाराष्ट्र। अगर ये वैट वाला जो सिस्टम था, पुराना वाला सिस्टम था, तो ये 10, ये जो पैसा था, ये सीधा सीधा महाराष्ट्र को जा रहा था। अब ये दैट्स द करेक्ट क्वेश्चन कि लॉस नहीं फेस करेगी। इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर डिबेट बहुत सारी है कि जो जो स्टेट है, जो ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उनके यहाँ इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो जीएसटी काउंसिल का क्या कहना है, और सॉरी जीएसटी जिन्होंने फॉर्मुलेट करा, उन्होंने क्या, उनका क्या कहना है कि बॉस क्योंकि बिकॉज महाराष्ट्र इफ इट इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, इट इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इफ इट्स प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीन्स कि महाराष्ट्र का स्टेट जीडीपी ज्यादा होगा। समझ में आया संदीप? अगर उसका स्टेट जीडीपी ज्यादा होगा तो इस स्टेट का कंजम्पशन ज्यादा होगा, राइट? वाई इज अ फंक्शन, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। अगर इस स्टेट, क्योंकि बेसिकली अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ये स्टेट, तो इस स्टेट में इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, तभी तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो अपने आप आपके स्टेट के अंदर डेस्टिनेशन, आपका स्टेट बेटर डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो दैट लॉजिक दैट यू आर सेइंग कि लूज होगा रेवेन्यू, दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, विच इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल, दैट इफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन इन दैट केस इट्स स्टेट जीडीपी विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच इट्स कंजम्पशन विल इंक्रीज, एंड इफ इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, अगर लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये बाकी स्टेट से भी तो कंज्यूम करेंगे ज्यादा, तो आपका स्टेट बेटर डेस्टिनेशन बन जाएगा कंजम्पशन का। अगर बेटर डेस्टिनेशन बन जाएगा तो आपको ज्यादा एसटीएसटी का पैसा आ जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक दैट इज बीइंग गिवन। समझ में आया? जो रिच स्टेट्स जैसे जो ये होती हैं, ये मेनली इंपोर्ट कम करती हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करती हैं। हाँ, बट वही हम कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा, अगर रिच स्टेट हो तो आपका कंजम्पशन भी ज्यादा है, तो वो कैंसल आउट होगा। अगर आप जितना ज्यादा आप अमीर होगे, उतना ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे होगे, उतना ज्यादा आप इनकम जनरेट कर रहे होगे, और उतना ज्यादा आप कंज्यूम भी करोगे फिर। बट देयर विल बी, योर पॉइंट इज राइट दैट अ लॉट ऑफ स्टेट्स हैव रेज्ड दिस इशू दैट देयर विल बी लॉस ऑफ रेवेन्यू। फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द प्रोमिस विच वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन सेस। नाउ वॉट इज दिस कॉम्पनसेशन सेस? नाउ ये जब एक्ट आया पार्लियामेंट, ये जब एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ 2017 के अंदर, तो इसमें हमने बेस बनाया था ईयर 2015-16 का। तो टेकिंग योर एग्जाम्पल, सपोज महाराष्ट्र को 2015-16 के अंदर 100 रुपए मिल रहे थे वैट से या टैक्सेशन से, वैट वाले टैक्सेशन मेथड से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अज्यूम्ड दैट इन 2016-17 दिस मनी विल रीच 114, एंड देन 2017-18 दिस विल रीच अराउंड 130। तो आप हर साल में 14% का इंक्रीमेंट ले रहे थे। द गवर्नमेंट सेड दैट व्हाटएवर अमाउंट दैट ईच पर्टिकुलर स्टेट हैड अर्नड अंडर वैट रिजीम इन 2015-16, I will ensure that you will earn 14% extra on that every particular year till year 2022. इस साल तक, अगले 5 साल तक, आप 2017 से लेके 22 तक, 5 साल के लिए था, आपको मैं 14% का इंक्रीमेंट देके, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको 214 नहीं मिलता, सो यू प्रोमिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देन दैट इन द ईयर 2016-17 आई विल गिव यू शुड एटलीस्ट गेट 114 रुपीज। Suppose Maharashtra, because of this, whatever you have asked, suppose gets only 110 rupees. Then this 4 rupees will be given by Government of India. This was called as compensation promise. And for this, compensation cess lagaya gaya hai. There is a special compensation cess, GST compensation cess, jo isi fund ko finance karta hai. Ki how will you make good of losses which any particular state might get. Exactly Danish, this is called as revenue neutral rate, RNR बोलते हैं इसे, कि आपका revenue neutral होना चाहिए, जो आपका पुराना condition था, at least वो condition होना चाहिए, but this is not just revenue neutral Danish, आप 14% का increment भी दे रहे थे, it's not just revenue neutral, तो this is what GST was council or in general GST was there.
देन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव है, जीएसटी का रिक्वायरमेंट क्यों है, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट गाइस, यू कैन रीड इट. हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. चैलेंजेस इन डिजाइनिंग, ये जो मैं आपको बता रहा था. नाउ R&R is a concept which is also state-wise. I mean, it's not for per nation. आपको state-wise भी R&R देखना पड़ेगा. ठीक है कि what is the R&R? I'll come to the questions later. Let me just finish this up first. So these are the important challenges of designing GST. ये बहुत important है again, guys. जो संदीप ने question पूछा. ओरिजिन बेस्ड वर्सेज डेस्टिनेशन बेस्ड. बहुत सारे स्टेट्स कह रहे थे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स एक्सप्रेस द कंसर्न ओवर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बेस्ड टू डेस्टिनेशन बेस्ड. ठीक है, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड देर इज दिस आंसर, ये पूरा आंसर दे रखा है दैट बिकॉज जो स्टेट प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है उसकी उसकी इनकम भी ज्यादा होगी, लेवल ऑफ इनकम भी ज्यादा होगी, एंड देर फॉर वो कंज्यूम भी ज्यादा करेगा. देन The other thing is, the second important aspect is rate structure and compensation. That how will you make this revenue neutral? That no state should be in a losing position. Uske liye you should be in a position to compensate that particular state. And that is basically a revenue neutral state. Hum keh rahe hain ki 15 to 15.5% tax rate hona chahiye. जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू न्यूट्रल हो चुका है. बेसिकली व्हाट इज दिस रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, क्या है पहली बात तो ये पता होना चाहिए. व्हाट इज आर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट? दैट रेट ऑफ जीएसटी, रिमेंबर दिस टर्म, दैट रेट ऑफ जीएसटी विच विल मेक द रेवेन्यूज ओवरऑल द रेवेन्यूज ऑफ द कंट्री एट एन इक्विवेलेंट लेवल एज इट वॉज प्री जीएसटी. That is called as revenue neutral rate. So, जो आपकी पुरानी condition थी, at least वो condition वापस आ जाए, that is called as revenue neutral rate. And उसके लिए आपको multiple rates रखने पड़ेंगे. For example, आपने जो demerit goods हैं या ये जो sin goods हैं, उन पर आपने 40% taxation लगाया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीन चार rate के structures हैं इंडिया में. 0% rate भी है इंडिया में, 5% का भी rate है इंडिया में, the rate that is that 12% का rate है, then you have 18% का rate and you have 28% का rate. India में बहुत multiple slabs हैं GST की. So this is another thing that was decided, that how much should be the tax rate so that the revenues are neutral. Yes, Yash, that is an important conclusion, that at least in the initial few years the burden of will be extremely high on consumers. So what is being suggested by introduction of GST is not actually true, and what you have actually said is essentially one of the points which is also covered under this Surajit Das's article, that GST is there are certain concerns with respect to GST, and one of the concern is the concern that you have raised, that initially GST will probably reduce GDP and increase inflation and will not aid to the consumers, and it will be burdensome on consumers, and more so kaun se consumers pe? Poorer consumers pe. Why poorer consumers? Because this is an indirect tax. Indirect tax is a regressive tax. Regressive taxes are those जिसकी जो आपका income proportion, अगर आपकी income बढ़ती है तो आपका proportion of tax कम हो जाता है. To give you an example, अगर मुकेश अंबानी अगर एक पेप्सी की बॉटल खरीदता है और एक रिक्शा पुलर एक पेप्सी की बॉटल खरीदता है, दोनों same amount of tax दे रहे हैं, right? दोनों same amount of tax दे रहे हैं उस product पे, जबकि मुकेश अंबानी की income जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, उसका एक डॉट भी नहीं है पेप्सी के ऊपर टैक्स देना. बट सपोज एक पुअर रिक्शा वाला है जिसकी इनकम ही टोटल 100 रुपए है और वो अगर 2 रुपए टैक्स दे दिया तो उसने अपनी 2% इनकम टैक्स दे दी. सो दिस इज रिग्रेसिव. द शेयर ऑफ टैक्स दैट इज बीइंग बोर्न बाय पुअर इज मच हायर एज कंपेयर टू रिच. दिस इज दैट इज व्हाई ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ही है कि आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा, आर रिग्रेसिव टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस. और जितना ज्यादा आप इनडायरेक्ट टैक्स रेज करोगे उतना ज्यादा आपकी इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ेगी.
And what you have exactly pointed out that initially, because the revenue neutral rates have to be high, why they have to be high? Because you do not want the states to be under losses and you do not want to compensate them every year. Therefore, because the revenue neutral rates will be high, the inflation, the consumers will end up paying more. Which consumers will end up paying more? The poorer consumers will end up paying more. Therefore, it will be more iniquitous. Therefore, it will be more inflationary. And therefore, it will probably not aid to the GDP production. I hope these three aspects are clear now. समझ में आया गाइस ये कंसेप्ट समझ में आया. दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी. नाउ कमिंग टू डिस्प्यूट सेटलमेंट, वो इतना इम्पोर्टेंट है. दिस अगेन इज एन इम्पोर्टेंट आइटम. रिमेंबर गाइस दैट सी दिस जीएसटी, ओनली अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वॉज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वॉज ब्रॉट इन टू जीएसटी, बट राइट नाउ दे आर नॉट बींग चार्ज अंडर जीएसटी. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट. देन यू शुड नो वॉट IGST, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर IGST इंटीग्रेटेड GST लगता है. यू शुड नो दैट टैक्स रेट्स हमारे, ये सारे टैक्स रेट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया 5%, 12%, 18%, 28%, विच इज टू मैनी रेट्स. वॉट इज एक्साइज ड्यूटी अमूल्य? एक्साइज ड्यूटी इज नथिंग बट अ फैक्ट्री टैक्स और अ प्रोडक्शन टैक्स. कोई भी गुड मेरी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलेगा अंटिल अनलेस I am going to pay an excise on that. So that is called as excise duty. You आज की रेट में excise duty major जो items पे लगती है वो alcohol है और दूसरा petroleum products है. So if you buy alcohol in the market, उसके ऊपर जो duty लग रही है वो excise duty लग रही है. और अगर आप एक state से दूसरे state में alcohol, for example Delhi में, क्योंकि alcohol बहुत cheap हो गई, इसीलिए अगर आप दिल्ली से खरीद के से पंजाब में ले जाते हो तो दिल्ली के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर्स हैं वो आपको वहीं आपको बाहर निकलते हुए ही पकड़ लेंगे, बॉर्डर पकड़ते हुए पकड़ लेंगे और आपके ऊपर चालान भी होगा और जेल भी हो जाएगी, क्योंकि आप एक्साइज ड्यूटी का वायलेशन कर रहे हो. एक्साइज ड्यूटी इसीलिए उन पर लिखा होता है, बॉटल्स पर लिखा होता है टू बी सोल्ड इन दिल्ली, टू बी सोल्ड इन हरियाणा, टू बी सोल्ड इन पंजाब. ठीक है. सो एक्साइज ड्यूटी जो है दैट इज एसेंशियली अ प्रोडक्शन. ना गाइज आई विल आंसर मोर क्वेश्चन, लेट मी जस्ट गो थ्रू क्विकली गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. नाउ रिमेंबर दिस दिस गाइज कॉम्पनसेशन जो अभी हमने बोला कि 15-16 जो है उसको बेस ईयर लिया जाएगा एंड फॉर रेवेन्यू टू बी प्रोटेक्टेड एंड ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट विल बी अज्यूम टू बी 14%. दैट्स अबाउट इट दैट यू नीड टू रीड. गेम चेंजर, बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर्स, जस्ट रीड दीज पॉइंट्स गाइज. बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर्स, बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स की ईजी हो जाएगा, अगर आपका लोअर लिमिट में है तो आपको एक ही GST फाइल करना है. देन कॉमन फॉर ऑल कंज्यूमर्स, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को प्रमोट कर रहा है. सो दिस इज अबाउट इट. नाउ इन अ ब्रीफ आपको पता होना चाहिए GST क्या है, दैट यू शुड नो. उसका ओरिजिन क्या है, उसका बेसिकली टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए. उसके साथ इश्यूज जो बारे में बात करी अभी हमने, दो तीन इश्यूज, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, स्टेट का जो इशू है वो वाली चीज़ें, मल्टीपल रेट्स हैं वो वाली चीज़ें, वो इश्यूज पता होनी चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ लेट्स क्विकली गो टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कंसर्न्स रिगार्डिंग GST. नाउ अगेन इफ यू वॉन्ट टू सी वॉट आर द क्लेम्स विद रिस्पेक्ट टू अमूल्य, येस एक्साइज ड्यूटी इज अपॉन ईच पर्टिकुलर स्टेट्स डिस्क्रिशन बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल एंड पेट्रोलियम राइट नाउ. ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अदर आइटम्स बिकॉज ऑल ऑफ द अदर आइटम्स हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर GST. नाउ GST के अंदर वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. GST के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है वो हम बात करेंगे. नाउ GST के बारे में ये सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली गई थी जब GST को इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ वेन GST was introduced, it was said that it will enhance growth, it will reduce inflation, it will shift burden from producers to final consumers, it will integrate national market, tax compliance badhega, cascading effect kam hoga, transparent hoga, ye sari cheezein boli gayi thi. But the problem with GST is ki pehli baat jo agar main aapko sare nutshell mein problem bata dun ki agar aapko revenue neutral rate karna hai to aapka rate of taxation 15% se 20% ke beech mein hoga. और अगर ये 15-20% आपको अगर टैक्स करना है, ओवरऑल जो है एक तो इन्फ्लेशनरी है, दूसरा हु विल पे दिस टैक्स, दिस अल्टीमेटली बर्डन इज गोइंग टू बी ऑन द कंज्यूमर्स.
एंड इट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर ऑन व्हाट? डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर ऑन पुअर कंज्यूमर्स. सो इट इज एंटी पीपल, एंटी पुअर. अल्टीमेटली रिच को तो फर्क नहीं पड़ रहा कि उस अगर वो कोई अमीर आदमी खरीद भी रहा है, कोई पेप्सी खरीद रहा है बाहर रेस्टोरेंट में जा रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बट एक गरीब आदमी के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लग रहा है, तो उसकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है. उसकी डिस्पोजेबल इनकम अगर कम होगी, अगर इनकी डिस्पोजेबल इनकम अगर कम हो जाएगी, तो इनका एबिलिटी टू स्पेंड कम हो जाएगा और उसकी वजह से जीडीपी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्रीज होगा. सो दिस इज वन एस्पेक्ट दैट यू नीड टू कवर, दैट दिस विल लीड, दिस इज नॉट श्योरली गोइंग टू लीड टू अ हायर ग्रोथ रेट, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म. द अदर प्रॉब्लम इज दैट स्टेट्स हैव गिवन टू मच ऑफ देयर ऑटोनॉमी. आज की डेट में अगर बहुत सारे स्टेट, जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग अपनी पॉलिसी अपनाते, बट अब स्टेट्स के जो हैंड्स हैं वो कम्प्लीटली बाइंडेड हैं. नाउ दे ओनली हैव, नाउ दे ओनली, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स एंड डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर कवर्ड है. देन द सेकेंड एस्पेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमी. नाउ जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपने हिसाब से दे कुड हैव स्पेंट मनी ऑन, दे कुड हैव रेज्ड मनी, बट बिकॉज दे हैड ऑलरेडी गिवन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ जीएसटी. क्योंकि आज की डेट में अब वो अपने टैक्सेशन चेंज नहीं कर सकते. इफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वांट्स टू चेंज, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी वांट्स टू चेंज अ टैक्स ऑन से सोप, ठीक है, इट कैन नॉट डू दैट. व्हाई? बिकॉज नाउ दैट इज सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, और जीएसटी के अंदर कोई भी अगर आपको टैक्स रेट चेंज करना है तो वो जीएसटी काउंसिल करेगा. एंटायर पावर इज विद जीएसटी काउंसिल. यहाँ पर वोटिंग का मेथड होगा, जिस वोटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ रोल है और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल है. सो योर हैंड्स आर कंप्लीटली टाइड, इवन इन केस ऑफ इमरजेंसीज लाइक कोविड, दैट यू कैन नॉट चेंज द टैक्स रेट्स एक्सेप्ट फॉर द टैक्स रेट्स ऑन अल्कोहल एंड ऑन. दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विच द स्टेट्स आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑटोनॉमी एंड इन टर्म्स. तो उनकी एक तो इनकम उनकी अटक गई, कि इनकम के सोर्सेज अल्कोहल और वही रह गए. जीएसटी का पैसा तो जब आएगा तब आएगा, और अल्टीमेटली दे कैन नॉट बोरो इवन मोर, बिकॉज वहां पर आरबीआई का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन होता है कि आप अपने स्टेट के जीडीपी से 3% ज्यादा नहीं फिस्कल डेफिसिट रन कर सकते, उसको रिलैक्स करके कई बार 3.5% कर सकते हैं. सो स्टेट्स कैन नॉट, जैसे सेंटर कितना भी बोरो कर सकता है, सेंटर ने अपना फिस्कल डेफिसिट उठा के 4.5% से एकदम से 9% कर दिया कोविड वाले ईयर में, बट स्टेट्स कैन नॉट डू दैट. तो स्टेट्स की बोरोइंग्स के ऊपर लिमिट्स होती हैं, सो देयर फोर एंड दे नीड टू टेक दैट परमिशन एज वेल. सो देयर फोर स्टेट्स जो हैं वो कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ सेंटर हो गए हैं, कि अब हमारा कम्प्लीट फाइनेंशियल जो फेडरल था, फेडरल प्रिंसिपल था इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके, अब वो काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज हो गया, विच इज वन ऑफ द इशूज दैट स्टेट्स हैव रेज्ड. And in even in a country like India, जैसे US के अंदर भी हर स्टेट अपना खुद का टैक्स लगा सकता है. बहुत सारे जिनसे हमने examples लिए हैं वहाँ पर भी states के पास ability है. GST जहाँ implement भी हुआ है वहाँ पर भी states के पास autonomy आई है to change their taxes depending on the rates. तो that is what we need to also follow. Then again, shifting of burden from producers to consumers, you will understand this in public economics as well, and you might have understood आपका taxation का अगर आपने microeconomics में पढ़ा हो, कि कुछ percentage of tax जो होता है वो, remember these diagrams guys, supply अगर tax होगा तो इस तरीके से कुछ होगा, ऐसा diagrams याद है, कि कुछ portion जो है वो producer tax share करेगा और बाकी portion consumer pay करेगा. तो और वो किस चीज पर डिपेंड करता है? The शेयरिंग ऑफ taxes depends ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. दैट मीन्स यू कैन नॉट से, अब आर प्योर माइक्रो इकोनॉमिक्स टेल्स अस दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स दैट यू हैव, इफ यू हैव अ नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व एंड अ पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व, द शेयर ऑफ द बर्डन्स विल सोनली डिपेंड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड शेड्यूल्स. So it is not necessary that you will be able to share the burdens from producers to consumers. That is not the case. दोनों को ही share करना पड़ता है.
इन्फ्लेशन का मैंने आपको अभी बताया, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट आपको रखना पड़ेगा, और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रखना पड़ेगा तो आपको टैक्स ज्यादा करना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा करना पड़ेगा तो उसकी वजह से ग्रोथ भी कम होगी और इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा. देन अनदर एस्पेक्ट विच इज कवर्ड इज कंप्लायंस. देर इज नो डेफिनेट स्टडी विच शोज की वैट की वजह से, वैट भी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के चक्कर में सारे के सारे लोग अपना क्या कहते हैं बिजनेस को फॉर्मलाइज कर देंगे और सारे लोग वैट पे करेंगे. बट दैट हैज नॉट बीन द केस. सो देर इज नो एविडेंस टू शो कि जीएसटी इंक्रीज होने की वजह या जीएसटी लाने की वजह से आपका करप्शन कम हो जाएगा या फिर आपका टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा. सो दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. देर इज नो सफिशियंट और नेसेसरी कंडीशन देयर विच leads to improvement in tax compliance because of the introduction of GST. Exactly what Jonathan has said, that in fact government dheere dheere, but the government is also smart. Jonathan, what it has started doing is Ashoka University ke kuch professors, some of my juniors are now in teaching at Ashoka now, and they are involved in this particular project to find out fake ITCs through models. So different models ab apply kar rahe ho. एंड आईआईटी के साथ भी कुछ मॉडल्स बने हैं AIML यूज करते हुए, जिसमें आप फेक ITCs को डिटेक्ट करना शुरू कर रहे हो. बट दिस इज बीन अ ह्यूज मेनेंस इन दी कंट्री कि बहुत सारे लोगों ने फेक ITC जनरेट करके सरकार से खूब सारा पैसा लूटा और अपना टैक्स लाइबिलिटी कम किया. जैसे आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. इन माई एक्सटेंडेड फैमिली देर इज समवन हुज अ बिजनेस ऑफ मैट्रेसेस. अब मेरे पूरी फैमिली में कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उनकी उनकी फैक्ट्री के नाम पे खरीदा जाता है. क्यों? क्योंकि सबको जीएसटी का क्रेडिट चाहिए. सो दैट इज अगेन दिस इज अगेन एन इलीगल थिंग विच परहैप्स माय एक्सटेंडेड फैमिली इज डूइंग. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दैट. ठीक है. सो कॉन्ट्रोवर्सी. अच्छा, वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होगा उसके ऊपर बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कुछ लोग कहते हैं, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा था और अरविंद सुब्रमण्यन कह रहे थे कि 15-16% होना चाहिए. NIPFP के कुछ लोग बोल रहे हैं कि 23% होना चाहिए. सो देर आर टू मेनी स्टडीज बिकॉज इंडिया इज नॉट जस्ट वन कंट्री. यू हैव टू सी हर स्टेट का अपना खुद का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कुछ होगा. एंड इफ यू गो डीपर तो आपको रियलाइज होगा कि बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स एंड यू आर ट्राइंग टू हार्मोनाइज कंट्री विच इज एसेंशियली कॉन्टिनेंट, तो उसको हार्मोनाइज करना इट्स अ ह्यूज चैलेंज. तो बोलने को वो ठीक है कि वन नेशन वन टैक्स, बट एग्जैक्टली वो वन नेशन वन टैक्स भी नहीं, वो पॉसिबल नहीं है. हर कमोडिटी का प्राइस हर स्टेट में अलग ही होने वाला है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें भी हैं. एंड यू शुड नॉट थिंक ऑफ दैट हार्मोनाइजेशन ऑल्सो because every particular state has its own abilities and own kinds of requirements. So therefore there is no consensus on the revenue neutral rate. And then policy and conclusion, just read the policy and conclusion ki inequality badhayega, trade offs bahut zyada hain, and tax rates jo hai hamare bahut complicated hain abhi bhi, and tax evasion jo hai, we can probably say that iska tax evasion ke upar humne bhi, there is no conclusive evidence. So all of this can be quoted here. So in this GST topic, guys, understand the GST, understand the timeline of the indirect taxes in India, understand the issues with respect to GST jo humne pichle reading mein padha, and the critical analysis which is there. If you understand these four or five things, you will be able to answer whatever question is asked in the exam.